हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नए वीडियो लेके आ चुका हूँ गाइस, रेडमी 12 फोन के बारे में। एंड इसके अपने टॉपिक होने वाला है गाइस कि अपने फ़ोन में ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग गाइस कैसे ऑन करके यूज़ करेंगे, देन गाइस आप अपने फ़ोन में कैसे रिकॉर्डिंग को सेव करेंगे, सारा कुछ गाइस मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अपन चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में, जहाँ से गाइस आप अपने फ़ोन के सेटिंग को ऑन करके यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में गाइस किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए एंड सेव करने के लिए। सबसे पहले आप अपने फ़ोन के गाइस कॉलिंग को ओपन करेंगे, देन गाइस आपको यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट में ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब गाइस आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, कॉल रिकॉर्डिंग पर। अब गाइस आपको यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिलते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन का एंड आपको रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिकली का। तो सिंपली गाइस आप यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब गाइस अगर आप नीचे में स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑल नंबर का एंड सिलेक्ट नंबर का। तो गाइस अगर आपको ऑल नंबर पे अपने कॉल को रिकॉर्ड करना है तो भी कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ से कोई भी नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस एकदम आसानी से। यहाँ पे आपको देखिए कोई भी नए नंबर को या फिर अपने डायरेक्टली से या फिर गाइस कोई भी लिस्ट से आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जो है ऑल नंबर पर क्लिक कर देते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर जो है कोई भी नंबर को चूज़ करने की दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली गाइज आप इस प्रकार से अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करके गाइज यूज़ कर सकते हैं एंड किसी की भी कॉल को सेव कर सकते हैं एकदम आसानी से। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक ले बाय।